अस्सलाम वालेकुम। जीटी रोड से गुजरते हुए सब लोग रुकते हैं दाल खाने के लिए, उसके साथ कुरकुरा पराठा और कड़क चाय पीने के लिए। हाँ जी, मियाँ जी की दाल। तो आज मैं यही दाल आपके सामने बनाऊंगी, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको घर में आएगा। आप ज़रूर बनाइए। और इस दाल को पहले फ्लेम ऑन करके मैं पैन के अंदर हाफ कप ऑयल डाल रही हूँ। वन टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई करूंगी, इससे अच्छी सी खुशबू आएगी इसकी। इनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया। अब ये जा रहे हैं इसके अंदर। ये तीन टमाटर हैं, उनकी मैंने इस तरह प्यूरी बना ली है। ये मैंने फ्रीज किए हुए थे इसलिए मैंने प्यूरी बनाई है। अगर आपके फ्रीज नहीं है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के। नमक है वन टीस्पून, सूख मिर्ची डाल रही हूं अंदर, हाफ टीस्पून हल्दी है और क्वार्टर टीस्पून कश्मीरी मिर्च है। और वन टीस्पून सूखा धनिया, इसको मैंने पैन में भून के और इसको मैंने ग्राइंड कर लिए फ्रेश। अभी मैंने इसको ग्राइंड किया है, ये इसके अंदर जा रहा है। अब इसको मैं हल्की आंच करके 5 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। इसका कवर दे देती हूँ और मैं यहाँ से लॉक कर देती हूँ। 5 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ चूल्हे पे। इसके अंदर डाल रही हूँ, इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और काफी सॉफ्ट हो चुकी है ये। अब इसके साथ ये जाएगी माश की दाल, ये 2 टेबलस्पून ली थी और इसको भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया और ये देखें काफी फूल गई है ये भी। इसको भी मैं डाल देती हूँ अंदर।
पानी आपने मुनासिब ही डालना है। तो ये 3.5 का पानी है जो इसके अंदर जा रहा है। आने तक वेट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका कवर दे दूंगी। अब इसका उबाल आना शुरू हो गया, थोड़ा सा मिक्स करके तो इसका मैं कवर दे दूंगी ऊपर। झाग बनी है ये बैठ जाए, वरना ये उबल जाएगा। अब मैं ये कवर ऊपर दे रही हूँ और यहाँ से भी मैंने लॉक किया हुआ है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। और इसकी आंच में आप जो चावलों को हम दम देते हैं तो जितनी आंच उसके लिए रखते हैं उतनी ही इसके लिए रखूँगी, और हल्की आंच पे ये 1.5 घंटा पकेगी। तो इसको मैं 1.5 घंटे के बाद चेक करूँगी कि ये कैसी हुई है, तो मैं आपको फिर दिखाऊँगी। दाल बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है, जैसी हमें चाहिए उसी तरह खड़ी खड़ी दाल है। ये देखें, मियां जी की दाल भी ऐसे ही खड़ी खड़ी होती है। इसके बाद अब मैं इसके अंदर तड़का लगाऊंगी। हमें तड़का लगाने के लिए देसी घी 1 चम्मच मैंने लिए भर के, क्योंकि देसी घी इस दाल के एक खास हिस्सा होता है। ये थोड़ी सी प्याज ली है बारीक बारीक कटी हुई। टीस्पून जीरा और 1 बड़ी सब्ज मिर्च ली है, इस तरह बारीक काट लिया उसको। अभी रेडी हो चुका है, इसको मैं दाल पर डाल देती हूँ। ढक्कन बंद कर दूंगी, इससे इसकी खुशबू अंदर ही रहेगी। इसका ढक्कन उठा के इसके अंदर अदरक डाल देती हूँ ऊपर। ऊपर से धनिया, ये दाल बिल्कुल वैसी ही गली है और बिल्कुल इसका टेस्ट भी वैसा ही है जैसा आप मियां जी के खाते हैं। तो आप बनाइए, यकीनन आपको ये पसंद आएगी। आप खुद भी बनाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।